अच्छा, आई विल स्पीक टू यू लेटर डैड। किसका फोन था बेटा? डैड, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। एक्चुअली आई थिंक वो टाइम आ गया है कि मुझे आपको हमजा के बारे में बता देना चाहिए। कौन हमजा? डैड, हमजा वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। लेकिन आज तक मैंने उसका कभी कोई जिक्र नहीं सुना, ना ही तुम्हारे साथ देखा। एक्चुअली मेरी और उसकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है। मैं पहले ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी। मैं उसे आपसे और मॉम से बहुत दूर रखना चाहती थी, इसलिए कभी जिक्र नहीं किया था। ये फिर भी बेटा शादी का मामला है, कौन है लड़का, क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ जानना पड़ता है। नो डैड, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर टू मी। मेरे लिए सिर्फ ये चीज मैटर करती है कि मैं उसको पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ लाइफ गुजारना चाहती हूँ। और वैसे भी आपकी ये सारी प्रॉपर्टी, आपके पास जो कुछ भी है, वो सब मेरे लिए ही है ना। और जो चीज मेरी है उस पे उसका भी हक है। Am I right? Yeah, absolutely. तो फिर मैं कल ही उसे बुलाती हूँ आपसे मिलवाने के लिए। डैड, आप मिलेंगे ना हमजा से? प्लीज आप उससे मिलें और मेरे साथ उसकी शादी तय कर दें, प्लीज। इस चीज में मेरी बेटी की खुशी है, उसी में मेरी भी खुशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डैड, आई लव यू। लव यू मोर बेटा। हाँ हाँ, बस अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। कल जा रहा हूँ मिलने इब्राहिम और अहमद हमदानी को। उसकी बेवकूफ बेटी ने मेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया। बेचैन है मुझसे मिलने के लिए, अपने होने वाले दामाद से। बस तू देखता जा, बहुत जल्द हम भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होंगे, और वो भी इस मुल्क से बाहर। ओके बाय। आपने जोया को रोका कैसे नहीं? वो ऐसे किसी अनजान शख्स के साथ शादी का फैसला कैसे कर सकती है? देखो रुबीना, इस दुनिया में मुझे जोया की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। जोया हमजा को पसंद करती है और हमजा जोया को, काफी है मेरे लिए। एक बार फिर सोच लें अबरार, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा बैठे जिससे जोया की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने आज तक जितने भी फैसले किए हैं उस पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ, और इस पर भी नहीं होगा। स्टॉप ओवरथिंकिंग। डैड, ये हमजा है। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम, बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तो डैड, आपको हमजा कैसा लगा? माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। रुबीना, हमजा हमारे साथ ही आज डिनर करेंगे, तो खाने में कुछ बना लो, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी है उसके साथ निकाह के हवाले से। जी। तो इसके अलावा क्या करते हो बेटा?